आई डोंट नो ये कौन सी चाय है, मैंने पहली बार देखी है। ओमान कप के नाम से कप है ऊपर ये चीज है। तो फाइनली शॉप के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और यहां पे एक्चुअली ये कहा जा सकता है कि शॉप नहीं शॉप्स, क्योंकि यहां पे काफी सारी दुकानें हैं। अगर आपको दिखाऊं इसको क्या बोलते हैं, तो ये कीज है और कीज लेके खड़े हैं। ये कीज क्यों है, तो चाबी तो बोलते हैं, ये कैसे की है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का दिन जो है आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। तो मैं बार्बर की शॉप, जिसे नाई की दुकान कहते हैं उर्दू की जुबान में, आई थिंक इंग्लिश में बार्बर बोला जाता है, तो नाई की दुकान पे जाएंगे। वहां जाके मुझे यहाँ पे खत बनवाना है ऐसे करके, जो रुको मैं गेट बंद कर दूं। तो अभी जो है हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इसमें काफी अंधेरा है, ये लाइट जलाएं तो कुछ इस तरह का मंजर आता है। फाइनली बाल कटवाने जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सामने अरबी के अंदर लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश भी है बट वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये सामने जो है शॉप है, यहाँ पर मैं जाऊंगा और बाल कटवाऊंगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन भी हैं, डिज़ाइन अगर दिखाऊं, वैसे ऐसा मैं चाहता था किसी भी शॉप के ऊपर हो ताकि उनको कह सके कि ऐसा लुक बना दो, ऐसा लुक बना दो। तो इधर ये अच्छी बात लगी मुझे कि इधर पहले से कुछ डिज़ाइंस पड़े हैं लेकिन इनके अंदर केबन में नहीं लगे हुए, ये बुरी बात है। तो शॉप का नाम है अंदलीब अल धर्मिया बार्बर शॉप, पता नहीं क्या नाम है बहरहाल जो भी है। तो यहाँ से तो फाइनली शॉप के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे एक्चुअली ये कहा जा सकता है कि शॉप नहीं शॉप्स, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं। अगर आपको दिखाऊं तो ये वेटिंग सोफा है, काफी सारा लंबा, क्योंकि काफी सारे सोफे को जोड़ के सोफा बनाया हुआ है। बाकी ऐसा लुक पीछे नजर आता है, अभी वहां पर नहीं कर सकते क्योंकि लोग बाल कटवा रहे हैं, मैं अपने केबन में जाऊंगा तो आपको सही मायनों में नजर आएगा कि कैसा है। तो ऐसी कुछ एंट्रेंस है यहाँ पर और अच्छी बात यह है कि पानी पीने का भी बंदोबस्त है। यहाँ से उठाओ गिलास और गिलास निकाल के यहाँ से पियो पानी, और यहाँ पे कुछ मशीन्स भी रखी हैं। तो इस तरह का यहाँ पे सूरत हाल है, ऊपर टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का कि यहाँ के जो ओनर है नवीद साहब, नवीद नाम है ना, नवीद साहब, उन्होंने चाय मंगवा के दी है। इसका नाम जो है कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स चाय, आई डोंट नो ये कौन सी चाय है, मैंने पहली बार देखी है। ओमान कप के नाम से कप है ऊपर ये चीज है, चाय तो पी जाती है, इसको तो खाना पड़ेगा। तो कोई एंगल नहीं बन रहा था कि मैं मोबाइल रखने के बाद जो है किसी तरह अपने आप को भी दिखा सकूं और इसको भी खा सकूं या पी सकूं। तो अभी ये एंगल बनाया है और यूजली मैं इस तरह किसी ने ट्राई करता नहीं हूँ लेकिन मंगवाई है तो इसे ट्राई तो करना। फाइनली हम अपने केबिन में पहुंच चुके हैं और पीछे जो है ये भाई मौजूद हैं। आपका नाम बोल गया, क्या था सर? सॉरी नासिर, तो नासिर साहब ने पिछली बार हमारे बाल बाल काटे थे, इस बार लकीली ये मिल गए। पर्दा हम इसको ऐसे कर लेते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। और यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये कीज है और कीज लेके खड़े हैं। ये कीज क्यों है, तो चाबी तो बोलते हैं, ये कैसे की है, इसे भी की बोलते हैं। तो ये की है, अभी की जो है मेरे ऊपर जाएगी। तो चले बैठते हैं यहाँ पे, इसको उतारते हैं पहले। तो ये मैं बैठ चुका हूँ और अब ये की जो है वो मेरे ऊपर आ चुकी है। और पूछा नहीं कभी आपने किसी से इसको की, इसका नाम नहीं की? अच्छा,
फाइनली कटिंग करवा के और ऐसे खत बनवा के मैं आ चुका हूँ। और जब भी कटिंग करवा के आओ या खत बनवा के आओ तो काफ़ी अलग सा लगता है। और इस बार वो जो लड़का जिसका नाम नासिर था, उसने बोला मैं अलग से कुछ बनाता हूँ आपका, तो उसको शौक था, मैंने कहा बना दो, तो उसने कुछ अलग से कुछ इस तरह से बनाया है। और बाकी सही रहा एक्सपीरियंस, मैंने सोचा अभी फाइनलाइज़ कर लेता हूँ इस वीडियो को यहाँ पर फुटपाथ के अंदर ही, क्योंकि घर जाऊँगा तो वहाँ जाके एक अलग एटमोसफियर होगा, तो उस तरह से एंडिंग हो नहीं पाती। व्लॉगिंग के अंदर मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहाँ पर ही कैप्चर कर लो तो सही रह जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि आगे जाके कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो वो उस तरह से सही तरह नहीं हो पाएगा। तो पर ये सारी आज की एक एक्टिविटी थी। अभी आप भी मेरी फैमिली मेम्बर हो तो मैंने सोचा चलो इसको शामिल करते हैं, याद के तौर पे रहेगा कैसे कटिंग करवाई थी, और एक वीडियो भी बन जाएगी जो कि व्लॉगर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, या व्लॉगिंग करने के लिए कंटेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी सीख रहा हूँ, हर चीज़ वक्त लगेगा थोड़ा सा और आई थिंक, लेकिन उम्मीद करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये जो शॉप थी वो नवीद साहब की थी, वो पाकिस्तानी है, सियालकोट में रहते हैं। अभी जो नासिर लड़का है वो भी पंजाब के पास कोई इलाका है, वहाँ से बिलोंग करता है। तो दूसरे कंट्री के अंदर जब अपने कंट्री के लोग मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि आप अच्छे से उर्दू के अंदर बात कर सकते हो। तो बस ये सारी बात थी। काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं अपने उस गाड़ी से, वहाँ पर रिजवान जो है मेरा इंतज़ार कर रहा है, पीछे गाड़ी आ रही है। रिजवान ने मुझे बोला इन ओमानियों से बच के रहना है, क्योंकि ये ओमानी जो है बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। तो बहरहाल अपनी गाड़ी से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।